नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी नोट से, जो आपका कीबोर्ड है, हारमोनियम है, किसी भी काली या सफ़ेद से सरगम कैसे बजाएं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का, ताकि आप हर नोट से सरगम बजा पाएंगे। ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे हम जानते हैं सा रे ग म प ध नि सा, हम बात कर रहे हैं थाट बिलावल की, यानी कि मेजर स्केल। ठीक है, तो उसमें हम सरगम कैसे बजाएं, देखिए। जहां भी आपने सा माना है, उसके बाद रे करने के लिए आपको एफ करना होगा। एफ और एच, यहां पर आपको दो तरह के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। एफ मतलब है फुल नोट, एच मतलब है हाफ नोट। फुल मतलब पूरा, हाफ मतलब आधा। जब भी मैं बात करूंगा फुल नोट की, तो वहां पर आपको एक नोट का गैप लेना है, ठीक है, प्लस वन करना है। यहां पर भी प्लस वन, यहां पर भी प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन। जहां पर बात है एच की, यानी कि हाफ नोट, हाफ नोट का मतलब कि आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है, यानी कि अगर एक नोट है तो उसके जस्ट बाद आपको प्ले करना है। ठीक है, यानी कि इधर मैं लिखूं प्लस जीरो, प्लस जीरो। ठीक है दोस्तों, अब आप समझे होंगे, इसको अपन प्ले करके देखते हैं एक बार। देखिए, मान लीजिए मैंने डी नोट को सा माना, ठीक है, आपको दिखाता हूं एक बार, रुकिए। चलो मान लीजिए आपने डी नोट को सा माना, तो सा मानने के बाद अब आपको क्या करना है, एक फुल नोट लेना है। फुल नोट के लिए मतलब प्लस वन, एक छोड़कर ये होगा फुल नोट। ठीक है, अगर यहां पर ये एच होता तो मैं इसके बाद ये दबाता, ये हुआ हाफ नोट और ये हुआ फुल नोट। सारे, अब रे के बाद फिर से फुल नोट लेना है। फुल नोट के लिए प्लस वन, यानी कि एक छोड़ना है। ये हुआ वन नोट और इसको छोड़कर दूसरा, ये हुआ फुल नोट। अगर यहां से मैं हाफ लेता तो ये होता हाफ, लेकिन दोनों बार आपको फुल लेना है। तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन के बाद फुल, टू के बाद फुल, फिर थ्री। सारे ग, अब देखिए यहां पर ग के बाद म बजाने के लिए आपको हाफ नोट लेना है, तो यानी कि इसके बाद हाफ क्या हुआ, जस्ट इसके बाद। ठीक है, इसको गैप नहीं लेना है। अब यहां पर प्लस जीरो है इसका मतलब, ठीक है, और यहां पर अगर फुल होता तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां तक हम पहुंचे, म तक पहुंचे, फिर आपको म के बाद प पर फुल नोट लेना है, फिर प से ध पर फुल नोट, और फिर ध से नी पर फिर से फुल, और फिर हाफ। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड या हारमोनियम पर ही अप्लाई है, एप्लीकेबल है। ये दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें सुर निकलते हैं उस पर ये एप्लीकेबल है। अगर आप मेजर स्केल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया है कि एफ एफ एच, एफ 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 एच। ठीक है, पांच फुल नोट्स आएंगे और दो हाफ नोट्स आएंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का, कि जब भी आप सरगम बजाने वाले हैं, सरगम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही स्केल में बजाते जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको सभी स्केल में बजाना आना चाहिए। फिर काफी लोग कहते हैं सर मुझे याद नहीं रहता, कंफ्यूजन होता है, डाउट आता है, माइंड में क्लियर नहीं हो पाता। तो पहले आप माइंड को क्लियर कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला शुरुआत में याद रखने की जरूरत है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके माइंड में वो बस जाएगा, फिर आप जहां से भी कहेंगे आप बजा पाएंगे। जैसे मान लीजिए जी शार्प से कहूं, ठीक है, ए शार्प से कहूं, ये हर स्केल पर एप्लीकेबल है जो आपको बताया है। यहां से देखिए जी शार्प से मैंने क्या किया, एफ यानी फुल नोट, फुल, फिर फुल, फिर हाफ, फिर फुल, 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 सॉरी, फुल के बाद हाफ, जो लास्ट है नी के बाद सा में, वहां पर हाफ आना है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और सभी नोट से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं से उम्मीद करता हूं जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है इस टॉपिक पर, तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सभी स्किल्स पर।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।